समस्तीपुर लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में चूक देखने को मिली। जैसे ही तेजस्वी यादव सभा को संबोधित करके अपने हेलीपैड पर पहुंचे, भीड़ उनके हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गई। पुलिस उस भीड़ को रोकने में नाकाम दिखाई दी। तेजस्वी यादव हाथ जोड़कर लोगों से दूर जाने की अपील करते रहे, लेकिन लोग नहीं हटे। हेलीकॉप्टर जब स्टार्ट हुआ तो भी लोग नहीं हटे। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे भीड़ में अधिकतर युवा मोबाइल से हेलीकॉप्टर और तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और धूल उड़ने लगी, तब लोग इधर उधर हुए। अब सवाल उठता है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री के सुरक्षा में इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? आखिर क्यों पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल को तैनात नहीं किया गया था? सभा को संबोधित करने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से भी बात की और कहा कि मोदी सरकार और नीतीश की सरकार किस हद तक गिर गई है, जनता सब देख रही है। जब वोट करें तो देश के हितों का देखें, संविधान की रक्षा करें, आरक्षण को देखते हुए वोट करें। और हम तो इतना कहेंगे कि लालू जी को न्याय दिलाने के लिए चुनाव जो है उस पर भी मतदान करने का काम करें। सुशील मोदी जी ने क्या शब्द, कितनी गंदी घटिया बातें कहीं, जहर देने की बात कही है, कहा है कि घर से खाना भी नहीं जाना चाहिए। तो इन लोगों ने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है कि किस तरह के लालू जी को तंग किया जाए, सताया जाए। और ये लोग तो किसी से ना मुलाकात करने दे रहे हैं, ना मिलने दे रहे हैं। पता नहीं किस हद तक, किसी भी हद तक ये लोग जो है जा सकते हैं। और सुशील मोदी जी का ये बयान दर्शाता है कि कितने हताशा में है, कितने निराशा में, और इनकी हार एकदम तय है, निश्चित है। इस वजह से ये सारा जुल्म जो है लालू जी का। वहीं आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम ने कहा है कि तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर सरकार अक्सर लापरवाही करती है। उनके सुरक्षा व्यवस्था में कमी देखी गई, हेलीकॉप्टर तक भीड़ चली गई है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अक्सर बिहार सरकार तेजस्वी यादव जी के कार्यक्रम को और उनकी सुरक्षा को लेकर के लापरवाही दिखाती है। कई प्रोग्राम ऐसा हुआ है जो स्टेज पे हजारों की संख्या में लोग चढ़ गए, बहुत सब हमारे समर्थक होते हैं, लेकिन कभी भी कोई दुश्मन भी उसमें घुस सकता है। और जिस तरह बिहार में तेजस्वी प्रसाद जी की राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता बढ़ रही है, उसी हिसाब से उनके सुरक्षा का ख्याल केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कोई साजिश के तहत उनके सुरक्षा पर लापरवाही की जाती है। और आज भी आप लोगों ने देखा कि जिस तरह स्टेज में सटकर के लोग थे और हेलीकॉप्टर तक लोग पहुंच गए थे, कभी भी कोई अप्रिय बात हो सकती है। इसलिए निश्चित रूप से बिहार सरकार और राज्य सरकार को बहुत गंभीरता लेना चाहिए, वरना यह समझा जाएगा कि उनके इशारे पर इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। सभा तो खत्म हो गई, लेकिन तेजस्वी यादव की सुरक्षा व्यवस्था में चूक पर राजनीति अब शुरू हो गई है। ऐसे में सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है, ये देखना होगा। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, बिहार तक।